MGY 002 पाठ्यक्रम का अगला क्वेश्चन है, भूगोल का विस्तार से वर्णन कीजिए। सिद्धांत ज्योतिष में जितना महत्वपूर्ण खगोलीय ज्ञान है, उतना ही महत्वपूर्ण भौगोलिक ज्ञान भी है। अमर कोश में पृथ्वी के संदर्भ में एक पद प्राप्त होता है कि भवंती भूतानि अस्याम इति भूमि, अर्थात जिसके ऊपर सभी प्राणी निवास करते हैं या रहते हैं उसे भूमि कहते हैं। हमारी भूमि को शास्त्रों में गोलाकार बताया गया है, इसलिए सौरमंडल में सूर्य अलग अलग समय में पृथ्वी के अलग अलग भागों को प्रकाशित करता है। इसलिए कहीं दिन होते हैं, कहीं रात होती है, कहीं सूर्योदय होता है व कहीं सूर्यास्त होता है। भूमि की उत्पत्ति के विषय में सूर्य सिद्धांत के भूगोल अध्याय में बताया गया है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना हेतु मन में विचार किया और मन से चंद्रमा को उत्पन्न किया तथा उनके नेत्रों से प्रकाशमान सूर्य की उत्पत्ति हुई। फिर पुनः ब्रह्मा जी के मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल तथा जल से भूमि की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार एक एक गुण की वृद्धि हुई और ये पंच महाभूत सृष्टि प्रक्रिया में उत्पन्न हुए। जैसे कि आकाश में एक गुण है शब्द, इस प्रकार वायु में दो गुण है शब्द और स्पर्श, अग्नि में तीन गुण है शब्द, स्पर्श और रूप, जल में चार गुण है शब्द, स्पर्श, रूप और रस, भूमि में पांच गुण है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और फिर इन्हीं पांच तत्वों से पांच ग्रहों की क्रमशः उत्पत्ति हुई, मंगल, बुध, शुक्र, शनि और शनि ग्रह की उत्पत्ति हुई। गोल अध्याय में आचार्य भास्कर जी ने कहा है कि ब्रह्मांड के गर्भ में कमल के आकार की है पृथ्वी है और पृथ्वी में कर्णिका आकार का मेरु पर्वत है जिसके पृष्ठ में ब्रह्मा जी रहते हैं और इन्हीं के द्वारा मनुष्य आदि समस्त विश्व का निर्माण हुआ है। इस पृथ्वी की स्थिति के बारे में आचार्यों का मत है कि पृथ्वी किसी आधार पर स्थित न होकर स्वयं अपनी ही शक्ति से आकाश में स्थित है और इसके चारों तरफ अन्य ग्रहों की कक्षाएं स्थित है। ग्रह कक्षाओं से आवृत हमारी भूमि गोल है, अर्थात भूमि की स्थिति के साथ ही ग्रहों की कक्षा की स्थिति का भी निरूपण यहाँ पर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि भूमि के ऊपर चंद्रमा की और चंद्रमा के ऊपर बुध की, बुध के ऊपर शुक्र की, उसके ऊपर रवि की, उसके ऊपर मंगल की, फिर बृहस्पति की और फिर शनि की और सबसे ऊपर नक्षत्रों की कक्षा है। आचार्य भास्कर जी ने कहा कि यदि हम यह माने कि पृथ्वी किसी आधार पर जैसे कि शेषनाग पर, हाथी या कच्छप पर टिकी हुई है तो उस आधार का भी कोई आधार होना चाहिए। यदि अंत में निजी शक्ति की ही कल्पना करनी है तो पहले ही क्यों न की जाए। इसके आगे भास्कर जी ने कहा है कि पृथ्वी में एक आकर्षण शक्ति है, यह आकाश से वस्तुओं को अपनी शक्ति से अपनी ओर खींचती है, इस प्रकार वे वस्तुएं गिरती हुई प्रतीत होती हैं। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ही ऊपर फेंकी हुई वस्तुएं धरातल पर आकर गिरती है। इस बात को कहने वाले भास्कर सबसे पहले ज्योतिषी हैं। हम जानते हैं कि इसका श्रेय न्यूटन को जाता है और उन्होंने इसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया था। भास्कराचार्य जी ने पृथ्वी में आकर्षण शक्ति की बात होने की बात कहकर अपनी कल्पना शक्ति का परिचय दिया है, पर उन्होंने इसके गणित और परिणाम की पूर्ण विवेचना नहीं की, जिससे आकर्षण शक्ति के आविष्कार का श्रेय न्यूटन को प्राप्त होता है। भूमि के चलन के संबंध में दो प्रकार के सिद्धांत प्राप्त होते हैं कि भूमि चल है और भूमि अचल है। हमारे ग्रहों के सापेक्ष हमारी ग्रह गणना में आधुनिक भौतिक शास्त्र में सूर्य को स्थिर मानकर भूमि का चलना स्वीकार किया गया है, परंतु प्राचीन भारतीय ज्योतिष की परंपरा में भूमि को अचल मानकर, स्थिर मानकर ग्रहों को चलना स्वीकार किया गया है। परंतु आर्यभट्ट ने अपनी आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में भूभ्रमण सिद्धांत का वर्णन किया, जिसमें कि आर्यभट्ट ने कहा कि जिस तरह नाव में बैठा हुआ कोई मनुष्य जब पूर्व दिशा में जाता है तब
किनारे की स्थिर वस्तुएं, अचल वस्तुएं उल्टी दिशा में जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ आर्यभट्ट का स्पष्ट प्रतिपादन है कि तारामंडल स्थिर है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह बात वे अपनी दश गीति का पाठ में कहते हैं कि एक प्राण के तुल्य काल में पृथ्वी एक कला घूमती है, प्राणे नेतई कलाम भू। आर्यभट्ट का भूभ्रमणवाद का एक क्रांतिकारी सिद्धांत था, इसलिए आर्यभट्ट के जीवन काल में ही इसका विरोध शुरू हो गया था। आर्यभट्ट के भूभ्रमणवाद पर हमला करते हुए ज्योतिष शास्त्र के कुछ आचार्यों ने इस प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए कि यदि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो चील आदि पक्षी अपने घोंसलों में किस तरह वापस लौट सकते हैं। यदि पृथ्वी धीमी रफ्तार से घूम रही है तो फिर यह एक दिन में एक परिभ्रमण कैसे पूरा कर सकती है। ब्रह्मगुप्त जी कहते हैं कि यदि पृथ्वी एक प्राण के तुल्य कालांतर में एक कला घूमती है तो इसकी गति कहाँ से आरंभ होती है और इसका मार्ग किधर है, और यदि यह एक ही स्थान पर घूमती है तो ऊंची ऊंची चीजें, पर्वत आदि नीचे क्यों नहीं गिर जाते। भूगोल के संबंध में बौद्ध दार्शनिकों का मत है कि आकाश में कोई भी गुरु पदार्थ स्थिर न होकर बराबर नीचे गिरता रहता है। कल्पना कीजिए कि किसी ऊंची जगह आकाश से एक पत्थर जमीन में गिरा, यह पत्थर जमीन में कैसे गिरा, क्योंकि पत्थर में तो कोई गति नहीं है। तो कहना उचित होगा कि पृथ्वी ने पत्थर को अपनी तरफ खींच लिया, मीन्स पृथ्वी के आकर्षण ने पत्थर को अपने में मिला दिया। सो इसलिए बौद्धों की इस कल्पना, यह कल्पना की कि आकाश में पृथ्वी स्थिर न होकर बराबर नीचे गिर रही है, इसका खंडन भास्कराचार्य जी ने एक सरल युक्ति से किया कि यदि पृथ्वी प्रतिक्षण आकाश में नीचे गिर रही है तो उस पत्थर का पृथ्वी से संयोग नहीं होना चाहिए, और यदि पृथ्वी निरंतर आकाश में गिर रही है तो एक सूर्योदय के 24 घंटे बाद दूसरे सूर्योदय का दिखाई देना भी असंभव है। इसलिए बौद्ध दार्शनिकों द्वारा दिया गया यह मत व्यर्थ ही प्रतीत होता है। सामान्यतः लोगों को लगता है कि हमारी पृथ्वी समतल है, परंतु ज्योतिषीय प्रयोगों से सिद्ध होता है कि हमारी भूमि गोल है, क्योंकि यदि हम समतल पृथ्वी की कल्पना करें तो हमेशा दिन ही रहना चाहिए, सूर्यास्त का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु हम सूर्योदय के बाद सूर्यास्त और फिर उदय और इस प्रकार दिन रात की गतिविधि प्रत्यक्ष देखते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी समतल न होकर गोल है और इसके एक भाग में सूर्य होता है तो दिन रहता है, और पृथ्वी के दूसरे भाग में सूर्य नहीं होता तो रात्रि का क्रम चलता है, और इस प्रकार पृथ्वी के गोलाकार होने से यह दिन और रात्रि का क्रम चलता रहता। परंतु इस प्रकार पृथ्वी के गोलाकार होने पर भी यह हमें समतल दिखाई देती है। इसके बारे में आचार्यों का मत है कि किसी भी वृत्त का सोवां भाग हमें समतल नजर आता है। पृथ्वी बहुत विशाल है और इसकी परिधि यानी सरकमफ्रेंस 4967 योजन है, जो कि 59,604 किलोमीटर है। तो इसका सोवां भाग हमें समतल नजर आएगा, मीन्स इसका 596 किलोमीटर तक का भाग हमें समतल नजर आता है, इसके बाद ही पृथ्वी का गोलापन दिखेगा। परंतु मनुष्य की दृष्टि बहुत ही कम होने के कारण हमें पृथ्वी जो है समतल ही दिखाई देगी। अब पृथ्वी पर चार पुरियों की स्थिति जानने से पहले हम गोल ज्ञान की कुछ टर्म्स को फिर से जान लेते हैं। गोलाकार पृथ्वी के मध्य से एक रेखा जाती है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, और यह पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जो कि इसका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। गोल ज्ञान के लिए कुछ और टर्म्स को भी जान लेते हैं।
पृथ्वी पर जो जहाँ स्थित होता है वह उसका पृष्ठ स्थान या स्वदेश कहलाता है। प्राचीन काल में लंका द्वीप में किसी लंका नाम की नगरी की वस्तु स्थिति भूमध्य रेखा पर बताई गई है। अब हम देखते हैं कि भू केंद्र से स्वदेश को भू केंद्र मतलब जो इस अर्थ का जो सेंटर है, सेंटर से स्वदेश को स्पष्ट करता हुआ। स्वदेश हमने क्या बताया, पृथ्वी पर जो जहाँ स्थित है वह उसका पुष्ट स्थान या स्वदेश कहलाता है। तो भू केंद्र से स्वदेश को स्पष्ट करता हुआ सूत्र आकाश में जहाँ लगता है वही उसका खमध्य या ख स्वस्तिक कहलाता है। मीन्स लंका के संदर्भ में हम देखें तो यह लंका का खमध्य कहलाया जाएगा, कि हमने बताया कि लंका की स्थिति जो है वो भूमध्य रेखा पर है। अब खमध्य से दोनों ध्रुव स्थानों पर जाने वाले वृत्त को याम्योत्तर वृत्त कहते हैं। मीन्स ये जो है ये याम्योत्तर वृत्त है। खमध्य से दोनों ध्रुव स्थानों पर जाने वाले वृत्त को याम्योत्तर वृत्त कहते हैं और खमध्य से 90 डिग्री की त्रिज्या बनाते हैं और उससे जो वृत्त निर्मित होता है वो क्षितिज वृत्त होता है। क्षितिज वृत्त और याम्योत्तर वृत्त। अब इन दोनों का संपात जहाँ होता है, जो जहाँ पर इन दोनों का याम्योत्तर वृत्त और क्षितिज वृत्त का जहाँ संपात होता है, जहाँ स्पर्श होता है, उसे हम समस्थान कहते हैं। समस्थान। तो इस प्रकार उत्तर में उत्तर समस्थान, दक्षिण में दक्षिण समस्थान, और समस्थान से जब हम 90 डिग्री की त्रिज्या द्वारा निर्मित वृत्त को पूर्वापर वृत्त कहते हैं। इस प्रकार लंका नगर की स्थिति भूमध्य रेखा पर, लंका से 90 अंश की दूरी पर पूर्व में यमकोटि नाम की नगरी और पश्चिम में रोमकपतन नाम की नगरी, और इसी भूमध्य रेखा के दूसरे भाग में खमध्य पर सिद्धपुर नाम की नगरी। तो ये चारों नगरों की स्थिति जो है भूमध्य रेखा पर बताई गई है। और लंका से उत्तर में सुमेरु पर्वत व दक्षिण में कुमेरु पर्वत है। भास्कराचार्य जी ने अपने गोलाध्याय नामक ग्रंथ में पृथ्वी पर द्वीपों की स्थिति और पौराणिक समुद्रों का भी वर्णन किया है कि वह कहाँ है और कैसे हैं। अब पृथ्वी के उत्तरार्ध में वलयाकार जम्बू द्वीप है और इसका विस्तार 1,00,000 योजन है और यह खारे पानी से घिरा हुआ है। इसके बाद 7 द्वीप हैं जिनके बीच में समुद्र है, कि इन द्वीपों की स्थिति शार समुद्र के बाद में शाक द्वीप है जो कि शीर समुद्र से घिरा है, शीर समुद्र के बाद पुष्कर द्वीप है जो कि मध्य समुद्र से घिरा है, और मध्य समुद्र के बाद कुश द्वीप है जो कि दधि समुद्र से घिरा है, दधि समुद्र के बाद क्रौंच द्वीप है जो कि घृत समुद्र से घिरा है, इसके बाद शालमली द्वीप है जो कि इक्षु समुद्र से घिरा है, इसके बाद पलक्ष द्वीप है जो कि सुस्वादु जल के समुद्र से घिरा है। जम्बू द्वीप के मध्य में मेरु पर्वत है जो कि 1,00,000 योजन ऊंचा है, 16,000 योजन पृथ्वी के अंदर व 84,000 योजन पृथ्वी से ऊपर। मेरु पर्वत के दक्षिण में निषद, हेमकूट और हेमवान पर्वत, उत्तर में नीलगिरी, श्वेतगिरी और ड्रिंगवान पर्वत, पूर्व में माल्यवान पर्वत व पश्चिम में गंधमादन पर्वत है। जम्बू द्वीप के 9 खंड है, इलावृत वर्ष, भद्राश्व वर्ष, केतुमाल वर्ष, कुरु वर्ष, हिरण्यमय वर्ष, रम्यक वर्ष, हरिवर्ष, किनपुरुष वर्ष और नाभिखंड जो कि भारतवर्ष है। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र की परंपरा में भूमि के गोलापन की स्थिति को लेकर बड़ा ही सूक्ष्म वर्णन है और भूमि के गुण के विषय में आचार्यों ने कहा है कि भूमि में स्थिरता, गुहता, कठिनता, गंध, गुरुत्व शक्ति वाले स्वाभाविक गुण हैं। इस प्रकार हमारी भूमि का समग्र वर्णन आचार्य गण संस्कृत के ग्रंथों में करते हैं। धन्यवाद।